सबका इस हार्मनी हाउस में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि आपके बगैर तो ये प्रोग्राम होने वाला ही नहीं था। इसलिए आप सबका इस हार्मनी हाउस में आज के दिन के लिए बहुत बड़ा आपका स्वागत है। और एक और बात आपको यह बताते हैं कि आज के प्रोग्राम के लिए जो आप आए हुए हो, तो एक तो जन्माष्टमी हमारी अभी अभी गई, आप सबने मनाया ही होगा ना अच्छी रीति से, तो आज दोबारा हम सब जन्माष्टमी मनाएंगे अभी थोड़ी देर में। परंतु आज विशेष आप सभी यहाँ इसलिए आए हो कि आज का जो टाइटल है, क्या टाइटल है, भूल तो नहीं गए कहीं? हाँ, रामायण तो कल था, रामायण वॉज यस्टरडे एंड सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सैटरडे, सो नॉट फॉर रामायण। परंतु आप सभी यहाँ इसलिए आए हो खुशनुमा जीवन, आप सभी को ये चाहिए ना जीवन में खुशनुमा जीवन कैसे जिए, तो ये आगे चल के आप सुनेंगे खुशनुमा जीवन के बारे में। परंतु आप सबको ये बता देते हैं कि एक तो यहाँ आप सभी बैठे हो, अपना मोबाइल बाहर निकालो और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि बीच में हमको तरह 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 के म्यूज़िक नहीं चाहिए, समझा ना। इसीलिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंस में रख दो। और यदि किसी को कोई सुविधा चाहिए तो हमारे अशर्स यहाँ तहाँ है, तो आप सुविधा के लिए उनको पूछ सकते हो, आपकी मदद में हाजिर है। यदि फायर होने वाला नहीं है परंतु फायर बेल यदि बजे तो भागना नहीं, आपको गाइडेंस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ से बाहर जा सको, उसमें भी हमारे अशर्स ही आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा हार्मनी हाउस खुला लास्ट ईयर सितंबर 20 तारीख को इसका ओपनिंग हुआ था, और आज सितंबर की 13 तारीख है, कुछ ही दिन बाकी है एक साल होने में। तो आज हमारे पास विशेष माउंट आबू से भी जो भाई आए हैं, अभी कुछ ही देर में हम सबके समक्ष हाजिर होंगे, तो उन्हीं के साथ ही देखो आज का इतना अच्छा दिन हम मनाने जा रहे हैं। सोचना नहीं है केक काटने वाले नहीं है, अच्छे मौके पर केक काटते हैं, पर तो आज केक कटिंग का प्रोग्राम नहीं है। परंतु आप सबको भगवान के घर का प्रसाद ज़रूर मिलेगा, उसमें आपका आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो प्रसाद तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो जो हमारी वीडियो है उसमें ये बताया जाएगा कि लास्ट ईयर ओपनिंग से इस साल तक हमने कई प्रोग्राम्स इस हॉल में किए हुए हैं, तो क्या क्या प्रोग्राम किया है वो एक तो वीडियो के द्वारा बताया जाएगा, और दूसरा उसके बाद आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो आप आज मनाने आए हो, तो उसका छोटा सा ड्रामा या नाटक कहे या प्ले कहे आपके सामने रजू होएगा। आपके अंदर जिन्होंने भी गीता पढ़ी हुई होगी, आपके अंदर कई ऐसे प्रश्न होंगे, तो उस प्रश्नों का उत्तर आज आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो दो दोस्त आएंगे, आपस में वो दोस्त चिट चैट कर रहे हैं, मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, परंतु सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी को कैसे मनाया जाए। तो फिर आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आप सभी जानते हो ना, मैं तो ज़ीरो हूँ कंप्यूटर में, परंतु आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, गूगल करते हैं और श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर गूगल में मिल जाता है, मिल जाता है ना, हर प्रश्नों का उत्तर गूगल के द्वारा मिलता है। तो ये दोस्तों भी गूगल करते हैं, तो गूगल करते हैं तो उसमें श्री कृष्ण हाजिर हो जाते हैं। तो क्या होता है
कि आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा कैसे ज्ञान दे रहे हैं। ये जो हमारा शरीर बना है, पांच तत्वों के द्वारा बना हुआ ये शरीर है, इस सृष्टि रूपी नाटक में हम पार्ट बजा रहे हैं, तो आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। तो जब श्री कृष्ण हाजिर होते हैं तो दो दोस्त आपस में श्री कृष्ण जी को प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर का एक छोटा सा नाटक आपके सामने, पहले वीडियो आएगा, वीडियो के बाद ये नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो आज का प्रोग्राम के लिए आप खास आए हो, खुशनुमा जीवन, तो उसका प्रवचन फिर उसके बाद होएगा। थैंक यू।
vibrations of peace and love to our brothers and sisters around the world. Power of meditation heals the wound of the soul. Rarely have I been as moved as I was today at seeing what we have seen, created here in our very own Leicester and sent as a message all over the world. Hello. Hello, my friend. How are you today? Oh, who's speaking? मैं तुम्हारा दोस्त मान बोल रहा हूँ. अरे यार, कैसे याद किया? बहुत दिनों के बाद आपने आज फोन किया मुझे. हाँ यार, आज तुम्हारी बहुत सुबह से याद आ रही थी. थैंक यू. हाँ, कैसे हो आज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है. आज है ना, मैं गोकुल अष्टमी का प्रोग्राम है तो मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है आज, और मैं मंदिर जाने वाला हूँ. तो अगर तुम्हारा कोई प्लान ना हो तो तुम्हारे घर आना चाहता हूँ. अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा घर तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा और मैं बड़ी आतुरता से आपका इंतजार करूँगा. अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ. जरूर. सी बिल.
अरे यार मान, हाय वेलकम वेलकम, हाउ आर यू, सिट डाउन प्लीज। फैमिली सब ठीक ठाक? देखो सब सावन मास का महीना चल रहा है, गोकुलाष्टमी भी है, जन्माष्टमी है, तुम्हें तो पता है मेरी सारी फैमिली भगत फैमिली है, पूजा पाठ फरार यही सब वातावरण है अभी तो। अरे यार तेरा फैमिली बड़ा धार्मिक है, इसी वजह से तो तुझे हिंदुइज्म पर डॉक्टरी करने में जरूर मदद मिली है। मेरा क्या यार, आजकल मैं तो साइंस की अलौकिक खोज में व्यस्त हूँ, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिल पा रहे हैं। वो तो है यार। और क्या चल रहा है अभी? ठीक, तुझे याद है बचपन में हम तेल का पुराना डब्बे को स्टंप बनाकर मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते थे? हाँ यार, तू तो एवरी वीक नया डब्बा लाता था। ये पता नहीं तेरा फैमिली सारा डब्बा वीक में खत्म कर देता था। बहुत तेल खाते थे। नहीं यार, स्ट्रीट में से ढूंढ के ले आता था। क्रिकेट खेलने के लिए कभी कभी कुछ भी करना पड़ता है ना? अच्छा, और फैमिली? तुझे याद है जब तक शाम के अंधेरे में बॉल नहीं दिखाई देता था तब तक हम क्रिकेट खेला करते थे? हाँ यार, तब तो हमारे पास टाइम भी इतना था, क्योंकि बचपन था, कोई फिक्र नहीं थी, टाइम ही टाइम था, और हमारा एरिया भी कितना अच्छा था मोहल्ला। वहाँ एक अपना दूसरा दोस्त रहता था मनीष करके, वो याद है तेरे को? हाँ हाँ, वो मनीष, वो जो नहीं, वो टॉय का कैमरा लेके घूमता था। हाँ, वो आज भी वही करता है। आजकल वो वीडियो कैमरा लेके करता है। कहीं भी प्रोग्राम हो ना, बीच में अच्छी जगह ढूंढ के बैठ जाता है। उसके बीच में कोई नहीं आता। शायद उसका नाम डेविड बेली रखना चाहिए। और सुनाओ। राइट, ए मैं तो भूल ही गया, आप क्या लेंगे, चाय नाश्ता कुछ? यार आज तो बोला ना गोकुलाष्टमी है। आज मैंने दोपहर ही फरार किया, देखो पूरी बनाई थी मदर ने राजीगृह की, 10-12 पूरी खाई थी, और 4-5 थेपले बनाए थे वो भी तेल के डिब्बे से, फिर वो पेटिस फरारी वो भी तेल से, फिर वो कटलेस थी वो भी तेल से, फिर वो स्वीट पोटैटो का सीरा चेवरा था, तले हुए पीनट्स थे, तो ये तो मेरा लंच से डबल फरार हो गया आज। यार इतनी तो शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा। इतनी सारी वांगी, मुझे भी भूख लग गई यार। यार अभी भी ढूंढते रहते हैं, अभी भी बेलगेव पर आप जाओ तो नई नई वेराइटी फरा के निकालते रहते हैं, और आजू बाजू वाले सब आते हैं ले जाते हैं। चलो यार, आपकी सो हिंदुइज्म पर डॉक्टरी कैसी चल रही है? वो यार मैंने तो आध्यात्मिक पर रिसर्च भी बहुत की, पुस्तक भी बहुत पढ़ी, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन जो मन में है उसका आंसर ना ही तो मुझे पुस्तकों में मिला और ना ही कहीं और से मिला। अगर जो आज साक्षात कृष्ण भगवान आ जाए तो सारे सवाल का आंसर मिल सकता है। तुम्हारी भी कुछ टाइम ट्रैवल के ऊपर तुम रिसर्च कर रहे थे, कुछ मिला उसमें? हाँ यार, मैंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन साइंस का क्या, जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक साइंस इज इनकम्प्लीट। यार हिंदुइज्म पर डॉक्टरी के बाद तो मैं समझ रहा था कि तुम्हारे मन में भगवान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। खैर आज मैं और तुम मिलकर तुम्हारी भगवान की खोज और मेरी साइंस की रिसर्च को टेस्ट करते हैं। हाँ वो ठीक है। चलो, तुझे याद है वो गीता का भगवान का दिया हुआ वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत? या आप बोलते जाओ, मैं टाइप करता हूँ। अच्छा, तुम टाइप करो। अगर इस धरा पर कृष्णा को बुला लिया जाए हमारे सभी सवाल के जवाब मिल सकते हैं। नहीं आज तो जरूर आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, आना ही पड़ेगा। हाँ करो टाइप।
चलो यदा यदा धर्मस्य ग्लानी ग्लानी परति भाव आज के दिन पश्चात तुम्हारे मन में कोई भी संशय न रहे, यही मेरा प्रयास रहेगा। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैं वचनबद्ध हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर जिज्ञासुओं को प्राप्त नहीं होता है, तो वही प्रश्न संशय का रूप धारण कर लेता है। अतः आज ही अपने समस्त प्रश्न पूछो वत्स। हे माधव, जहाँ तक मेरी और सब मनुष्य की समझ में यही है कि क्या आपने गीता अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में सुनाई थी? वत्सो, जरा सोचो, मैंने गीता सिर्फ अर्जुन को ही, वो भी भला युद्ध के मैदान में? अकेले अर्जुन को ही क्यों सुनाई? वो भी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले, जहां 18 अक्षौणी की सेना का कोलाहल है, घोड़े सवार प्यादे। भगवान कभी किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करता है क्या? तुम दोनों बुद्धिजीवी आत्मा हो, आज कितने प्रकार के युद्ध इस संसार में चल रहे हैं। ये महाभारत युद्ध आज दिनों तो चल रहा है, इसका प्रत्येक प्रमाण है। घर घर में अशांति, आज भाई भाई के साथ नहीं रह सकता। पति पत्नी एक दूसरे को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बच्चे मात पिता का अनादर कर रहे हैं। 5 विकारों ने मानव को पूरे पूरा जकड़ लिया है। कलयुग ने पूरी सत्ता स्थापित कर दी है। यही तो है धर्मग्लानी वत्स, यही तो है धर्मग्लानी। यही सब दुखों को मिटाने के लिए गीता के वचन मुताबिक मैं साधारण से साधारण स्वरूप में अवतरित होकर गीता ज्ञान सुनाऊंगा। लेकिन कोटों में कोई मैं भी कोई मनुष्य विल्ला ही मुझे पहचानेगा। भगवंत, आपने अर्जुन को गीता में बताया है कि जो मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तफावत जान लेगा, क्या वही श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है? वत्स, 5 तत्वों से बना यह शरीर
जिसे क्षेत्र कहा जाता है, और इस देह में रहने वाली ये अजर अमर आत्मा माना क्षेत्रज्ञ इस जीवन के अंदर शरीर और आत्मा दोनों का जब संयोग हुआ तब ये जीवन में संभवित हुआ। भगवान, मनुष्य का शरीर में सभी अंग होते हुए जब आत्मा निकल जाती है तब सभी अंगों की मौजूदगी होते हुए भी मृत देह बन जाता है, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? हे वत्स, मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ी दुखदायक लेकिन अति रहस्यमय घटना है। मनुष्य का ये देह पांच तत्व से बना यह शरीर पांच तत्वों में मिट जाता है, परंतु इस देह में से जब आत्मा निकल जाती है तब इसको अर्थी माना जिस रथ में अभी रथी नहीं है, ऐसे मृत देह को अरथी कहा जाता है। भगवान, अभी अभी आपने स्पष्ट किया कि आत्मा जब देह से निकल जाती है तब मनुष्य जीवन का अंत होता है, तो ये आत्मा कभी मरती नहीं, फिर भी मनुष्य मृत देह पर विलाप क्यों करते हैं? वत्स, जैसे मैंने गीता में स्पष्ट किया है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का जलना सूखना भिंजना देखना अशक्य है, फिर भी मेरे गीता के दिए यथार्थ ज्ञान को भूलने से मनुष्य मोहवश नाशवंत देह का विलाप करते हैं। आत्मा को तुम तुम्हारे साइंस के साधन से भी नहीं देख सकते। आत्मा का जलाना सुकाना भिंजना भी असंभव है। इस मनुष्य लोक में सभी आत्माएं परमात्मा का धाम जिसे शांति धाम भी कहा जाता है वहां से आई है, और इस सृष्टि के अंत में सभी आत्माएं अपने निजी घर परम धाम चली जाती है। भगवान, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि ये सृष्टि का समय चार युगों में बटा हुआ है, अब कलयुग चल रहा है, परंतु सतयुग आने से पहले ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है, माना पुरुषों में उत्तम बनने का युग जिसे संगम युग कहा जाता है। इस समय परिवर्तन का रहस्य क्या है ये समझना अति आवश्यक है प्रभु। वत्स, जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग आता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग होगा। कल्प के अंत में सभी आत्माएं परम धाम चली जाती है, और भाग्य के मुताबिक सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में आकर भिन्न भिन्न रूप में अपना पाठ बजाती है। वत्स, ये पृथ्वी एक ऐसा रंग मंच है जिसमें सभी आत्माएं अपने अपने पाठ बजाने इस पृथ्वी पर आती है। हे भगवान, आपके गीता के उपदेश अनुसार स्वधर्म में विचरना श्रेष्ठ है, तो ये आप स्पष्ट करो कि स्वधर्म का सही अर्थ क्या है। वत्स, दुनिया में द्वापर की शुरुआत में विभिन्न धर्म की स्थापना शुरू हो गई, और विभिन्न धर्म स्थापकों ने आकर द्वापर से लेकर इस कलयुग तक विभिन्न धर्मों की स्थापना की, इसलिए आज मनुष्य में धर्म के नाम पर कई वाद विवाद खड़े हो गए। हे वत्स, आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर एक ही शब्द में स्पष्ट करना हो तो स्वधर्म अर्थात आत्मा का निजी गुण धर्म शांति प्रेम आनंद ज्ञान गुण शक्ति और पवित्रता है। ध्यान से सुनो वत्स,
मनुष्य अपने निजी धर्मों को भूलने के कारण ही आज मनुष्य जगत अशांत दुखी है। भगवान, आपने शरीर और आत्मा के बारे में बताया, अभी स्पष्ट करो कि उन दोनों का संबंध क्या है और एक दूसरे से कैसे पूरक है। हे वत्स, ये शरीर पांच तत्व का बना पुतला है। जब ये शरीर बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहता, तब आत्मा उनमें से निकल जाती है। और जैसे शरीर के लिए खोराक की जरूरत है, इसी तरह आत्मा को भी अपने निजी गुणों का जरूरी ज्ञान देकर जागृत रखना जरूरी है। हर एक मनुष्य के आत्मा में ये सात गुणों शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति पड़े हुए हैं। आवश्यकता है उसको जागृत करने की। हे वत्स, जरा परमात्मा के गीता में दिए हुए ज्ञान को स्पष्ट समझो। मैं किसी साधारण तन में आकर गीता ज्ञान स्पष्ट करूंगा, लेकिन ना समझ मनुष्य मुझे पहचानेंगे नहीं और मेरी अवज्ञा ही करते रहेंगे। इसलिए युग परिवर्तन का रहस्य समझना इस कलयुग में अति आवश्यक है। हे भगवान, आपने अभी अभी बताया कि आप किसी साधारण तन में प्रवेश कर गीता ज्ञान स्पष्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके गीता संदेश अनुसार आप अजन्मा, अविनाशी और अव्यक्त आपको बताते हैं। ये स्पष्ट करते मेरी शंका का समाधान कीजिए भगवान, मेरी शंका का समाधान कीजिए। जरूर वत्स, भगवान उसे कहा जाए जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो। इस धरा पर जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसका मृत्यु निश्चित है। इस सिद्धांत सिद्ध करता है कि भगवान अविनाशी है और मैं अव्यक्त, इसलिए कि मेरा कर्तव्य अलौकिक और अव्यक्त है। इसलिए बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हुए गीता ज्ञान की यही समझ न होने से मुंझ जाते हैं। भगवान के गीता में दिए वचन मुताबिक वत्स, परमात्मा वचनबद्ध है। स्वयं भगवान सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा शिव ने ये ज्ञान दादा लेखराज को दिया है। और ध्यान से सुनो वत्स, ये वही गीता ज्ञान है जो इस संसार में से प्राय लुप्त हो गया था। वही सत्य ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से लाखों मनुष्य आत्मा के निजी गुणों को फिर से सजीवन कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, लाखों मनुष्य का जीवन उद्धार प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि कोटों में कोई में भी कोई विल्ला ही मुझे पहचानेगा। कहीं ऐसा न हो कि भगवान स्वयं सत्यु की स्वराज्य का तिलक देने आया है और आप मुंह धोते रह जाओ। देर न करो वत्स, क्योंकि इस विनाशी देह कब किसको धोखा दे दे, इसका किसको भी ज्ञान नहीं। Thank you.
सबने बहुत ही अच्छा नाटक देखा. आप सबको सब कुछ इजीली समझ में तो आया ही होगा. हाँ जी करेंगे के ना जी? हाँ, स्पष्ट हो गए होंगे कहीं आपके प्रश्न उत्तर. अभी आपने जन्माष्टमी का तो देख लिया, पर अभी हम दूसरी टॉपिक पर जा रहे हैं अभी. और यह टॉपिक एक ऐसी है जिसमें सबको फायदा होएगा, सबके कई प्रकार के प्रश्न होंगे. खुशनुमा जीवन. आजकल दुनिया में देखते हैं बहुत सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, समाज में रहते, संसार में रहते हैं, परंतु प्रॉब्लम यही है कि जितना खुश रहना चाहिए उससे अधिक ना खुश रहते हैं. तो आज आपके जीवन को कैसे खुश में रखा जाए, अभी हम उसके बारे में सुनेंगे. क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि खुशी को अपनाने के लिए कई प्रकार के तरीके, सिनेमा देखने का, क्लब में जाने का, डांसिंग का, खाने का पीने का प्रोग्राम बनाते हैं टेम्पररी, परंतु फिर भी जीवन तो खुशी की होती नहीं है. परंतु जीवन में खुशी कैसे लाया जाए, खुशनुमा जीवन कैसे जिया जाए, ये हम आज सुनेंगे. अभी हमारे सामने माउंट आबू से पधारे हुए सूर्य भाई जी, जिन्हों को मैं अभी आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर. आप 1964 में ज्ञान में आए और 68 में आपने अपना जो जीवन है पूरा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया. उसी समय से आप इस सेवा में हाजिर है. आपने कई, आप में ये पावर है कि आप कईयों को कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान करते हैं. और आपका जो चलता है समाधान ये पीएम में, और साथ साथ जो मीडिया में आते प्रश्न उत्तर उससे भी कई फायदा लेते हैं. आपने जो किताबें निकाली है, तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग अमृत धारा, ऐसी कई पुस्तकें आपने निकाली है. तो ये सब पुस्तकें विचारों को परिवर्तन करने की है. और साथ साथ आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, कई देशों में भी आपने चक्कर लगाए हैं. भारत के तो हर स्थान पर आपने चक्कर लगा करके कई प्रकार के प्रोग्राम्स आपने दिए हुए हैं. आज आप हमारे सामने आए हुए हैं और आप सभी को भी फायदा होएगा इस टॉपिक से. तो मैं सूर्य भाई जी को अभी आमंत्रित करती हूँ. तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा. जो खुशनुमा जीवन जीने की कला है उसके ऊपर अभी हम सुनेंगे. थैंक यू. ओम शांति. पहले हम 3 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और आप सभी जिनको आत्मा का ज्ञान है वो आत्मिक फीलिंग में, और अन्यथा आप साइलेंस में बैठकर अपने जीवन पर एक नज़र डालेंगे. क्यों मैं खुश नहीं हूँ, क्या कारण है जो मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए. 3 मिनट इस डीप साइलेंस में चलें.
ओम शांति। भाई व्हाइट लाइट चाहिए हॉल में भी। डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम सभी के लिए बहुत सुंदर समय है। दूसरों से हम सदा ही बातें करते हैं, अब अपने से बातें करेंगे। दूसरों से मिलता है मनुष्य, वो दूसरों को देखता है, अब हम अपने से मिलेंगे। कितनी गहन शांति, कितनी अधिक शक्तियां हमारे अंदर समाई हुई हैं, उसको आज पहचानेंगे। हुआ क्या है? भौतिकता की दौड़ में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर भागते हुए हर मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जाता है। वो अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, प्यार के लिए, सफलता के लिए दूसरों की ओर निहार रहा है, गलती कर रहा है मनुष्य। देखिए, विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, एजुकेशन बहुत आगे बढ़ गई है, धन संपदा बढ़ती जाती है, सुख साधन बढ़ रहे हैं। अगर गिर रहे हैं तो क्या? मानवता। शांति महंगी होती जाती है, खुशी की तलाश चारों ओर है, तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, संसार समस्याओं से घिरता जा रहा है। मेरे पास लोगों का पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है, मैं 5 साल में देखता आया हूँ, मेंटल डिजीज तेजी से बढ़ गई हैं, संबंधों में कड़वाहट विकराल रूप लेती जा रही है, मनुष्य के अंदर स्वार्थ ने पूरा कब्जा कर लिया है। मनी इज एवरीथिंग, मनी चाहिए, बाकी सब को मार दो भले ही, ये मनोस्थिति मनुष्य की हो गई है, उस मनुष्य की जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। हमारे एक डॉक्टर बहुत हंसाया करते हैं कि कभी गाय भैंस हमारे पास आती ही नहीं कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी चेक करो। बड़े खुश हैं जानवर, आनंदित हैं, ये बुद्धिमान मनुष्य परेशान है। आज सबको विचार करना है, ये बहुत बुद्धिमान मनुष्य आज परेशान क्यों है? धर्म भी बहुत हो गए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब तरफ बढ़ते जाते हैं, परंतु धर्म मनुष्य के जीवन से दूर होता जाता है। जब तक धर्म जीवन में नहीं आता, तब तक मनुष्य के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं आती है, और धर्म विदाउट स्पिरिचुअल पावर इज नथिंग, वीक, केवल दिखावा है, वो लेम है। इसलिए हम सभी आज, मैं केवल लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपसे पर्सनली बातें करूंगा, प्राइवेट बातें होंगी, ये पसंद करेंगे? आपके घरों में पहुंचेंगे आज हम, आपके मन में पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि को झकोरेंगे जरा, और ये 1 घंटा सभी के लिए यादगार हम बनाना चाहते हैं। और मेरा संकल्प है कि आज हम आपको उससे भी मिला दें जिसकी हम संतान हैं। कौन है वो? हमारा सुप्रीम फादर, जिसे मिलना हमारा अधिकार है, जो पिता है। वो यदि अपने बच्चों से कभी मिलता ही ना हो तो वो पिता कैसा? जो प्यार का सागर है, उसका प्यार ही हमने न पाया हो तो भला कौन मानेगा कि तू प्यार का सागर है? आप अपने बच्चों को प्यार देंगे तो बच्चे कहेंगे ना, डैडी बहुत प्यार करते हैं। और डैडी डांटते हो, क्रोध करते हो, तो किसी के अंदर से निकलेगा तू प्यार का सागर है?
भगवान से मिलने की हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, इसे सिद्ध है कि हमारा उससे मिलन अवश्य होता है। अगर किसी ने आम कभी खाया ही न हो तो आम खाने की इच्छा होगी ही नहीं। प्रभु मिलन की इच्छा है, हर व्यक्ति जाने अनजाने उसको ढूंढता है, उसे मिलना चाहता है, उसके अनुभव चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ कभी हुआ था। तो हमारा अधिकार है अपने परम पिता से मिलने का। खुशनुमा जीवन पर आने से पहले मैं एक बात आपको और याद दिला दूं, क्या मिस किया है मनुष्य ने। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने अपने घर में 3 मास का राशन रख लिया हो, रोज भोजन बन रहा हो, खाया जाता हो, 3 मास में ख़त्म हो जाएगा ना, सप्लाई हो न रही हो, खाली हो जाएंगे ना। हमारे पास भी एनर्जी थी, वी वर परफेक्ट, मन की एनर्जी, बुद्धि की विजडम, हमारे संस्कार बहुत डिवाइन थे, प्यार, शक्ति, ये सब भरपूर थी। हम यूज करते आए, खाते आए, खाली हो गए, सप्लाई लाइन कट ऑफ है, इसलिए खालीपन हो गया है। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया। आप जानते हैं मुंबई बहुत बड़ी सिटी है भारत में। पिछले दिनों वहाँ से 10 बहुत साहूकार लेडीज आई, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, हमारे यहाँ आई थी, कहा हमसे, हमें आपसे मिलना है। मैं उन्हें नहीं जानता था, मैंने कहा पता नहीं है क्यों मिलना चाहती हैं। बैठा मैंने उनसे प्रश्न किया, आप मेरे से क्यों मिलना चाहे। उनका उत्तर था, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है। एक ने कहा इतनी है कि मुझे घर के लिए रोज 50,000 रुपीज मिलते हैं, मैं क्या करूं उनका, इतनी धन संपदा है अथा, लेकिन हमें लगता है कुछ अभाव है, कुछ चाहिए तुम्हें, हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए। हमने आपको इसलिए बुलाया है, आप हमें बता दो हमें क्या चाहिए, है ना सीक्रेट। मैंने कहा चाहिए तुम्हें और पता मुझे। आप सब देख रहे थे आत्मा के 7 गुणों की चर्चा यहाँ हो रही थी ना, इस पे दिखाया जा रहा था, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, माइट, प्योरिटी, ये सब हमारे अंदर परफेक्ट थी, परफेक्ट थी। वो कम हो गई, अभी जो चीज हमारे पास थी वो नहीं रही है, उसका अभाव हमें फील होता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ कमी है, कुछ और चाहिए। जब तक हमने उन चीज़ों को अचीव नहीं किया, तब तक धन होते, अच्छा परिवार होते, सुंदर जॉब होते, हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हम भगवान के पास जाते हैं, जो जिस भी धर्म के यहाँ बैठे हैं, अपने अपने ईष्ट के पास, खुदा के पास, गॉडफादर के पास जाते हैं, उसकी प्रेयर करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं और उससे कुछ मांग लेते हैं। हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सद्बुद्धि दो। माताएं तो मंदिर में जाएंगी, हे प्रभु हमारे बच्चों को पास करा दो, पढ़े या ना पढ़े ये तुम्हारा काम है, पास करा देना। मांग रहे हैं ना, मांगने वालों को क्या कहते हैं, सचमुच। तो हम सब कौन हो गए, रॉयल बैगर्स, मैं 7 जोड़ देता हूँ, एक सब बैगर नहीं, रॉयल बैगर्स। अब आपको यहाँ रियलाइज करना है, हम भगवान के बच्चे हैं, कोई उसे मालिक कहता है, कोई फादर, माता पिता, बच्चे हैं हम उसके। जस्ट मेरे साथ गुड फीलिंग में चलो, वो मेरा परम पिता है, इट मीन्स वो मेरा है, फील करो वो मेरा है। तो उसका जो कुछ है वो किसका, मेरा।
अधिकार है हमारा उस पर, मांग नहीं अधिकार। और जो मनुष्य इस अधिकार को जान लेता है उसके पास सब कुछ आने लगता है। एक राजा के बच्चे को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, वो तो राजकुमार है, सब कुछ उसका है। हम सब इस ओर आज चलेंगे कि हम उससे जुड़ जाएं जिसके हम हैं, तो उसकी संपूर्ण शांति, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ, उसका प्यार, उसके वरदान, उसकी ब्लेसिंग्स हमारी हो जाएगी। बस यही यहाँ सिखाया जाता है, यही राजयोग है, यही उससे जुड़ना है जो सभी धर्मों से ऊपर की चीज़ है। यहाँ धर्म बाधक नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये नहीं। हम सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, वी ऑल आर सोल्स और चिल्ड्रन ऑफ वन सुप्रीम फादर। यहाँ हम सब एक हैं, ये वर्ल्ड एक सुंदर फैमिली बन जाता है, हमने यही सीखा यहाँ आकर। अब चलो अपने अपने घर में पहुँचो। क्या कमी हो गई है आज, जो बच्चे माँ बाप के ओबीडियंट नहीं रहे, बच्चों के मन में माँ बाप के लिए सम्मान नहीं रहा, जो वाइफ हस्बैंड के बीच में वो रिश्ता नहीं रहा कि वो एक दूसरे के गुड फ्रेंड हों। सेल्फिश मोटिवेशन एक विकराल रूप लेता जाता है। क्या कारण हुआ कि समस्याओं में संसार जलता जा रहा है, जिससे भी बात करें, जो भी मिलने आए वो अपनी समस्याएं लेकर आता है। समस्याओं का चक्रव्यूह मनुष्य को नष्ट किए जा रहा है और इनका समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ अभी अभी एक मास पहले एक बहुत सुंदर मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई, 700 सीनियर डॉक्टर्स MD MS उसमें आए। उसमें से कितने ही मेरे पास आए, मुझे भी लोग डॉक्टर समझते हैं आजकल, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अपने बच्चों को लाए, यंग बच्चे, कहा इनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी हो गई है, फियर हो गया है, ये सो नहीं पाते हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा आपने तो साइकेट्रिक डॉक्टर्स को दिखाया होगा, का बहुत पैसे खर्च किए, बहुतों को दिखाया, पर आखिर में हम भी जानते हैं डॉक्टर होने के नाते, और साइकेट्रिक्स ने भी बता दिया कि ये जो डिजीज है ना, डिप्रेशन आदि, इनकी कोई दवाई होती नहीं, ये तो हम पैसा कमाते रहते हैं। डॉक्टर्स के बच्चे थे, MS MD और बहुत बहुत डिग्री लिए हुए, क्योंकि हम पीस ऑफ माइंड चैनल पे प्रोग्राम देते हैं, नाम है समाधान, आप लोग सुनते होंगे कई यूट्यूब पर, इस पे उस पे। तो हम डिप्रेशन के और इंसोमनिया के, नींद ना आने के और एंग्जाइटी के और सफलता न मिलने के और इंटरव्यू में सफल होने के, अच्छी जॉब मिलने के, गुड हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें बताते हैं उन्हें, स्पिरिचुअल सोल्यूशन, मेडिसन नहीं। और बहुत गुड रिजल्ट मिलते आए हैं, बहुत गुड, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। ऐसे ऐसे केस आए जो हमारी भी समझ में नहीं आता था, इनको बताएं क्या, और थोड़ा सा कुछ किया और वो बिल्कुल अच्छे हो गए। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। इन सब का जो कारण है, ये जो कुछ बढ़ रहा है संसार में, ये एक ही चीज़ से बढ़ा है कि मनुष्य का मन बहुत वीक हो गया है। किसने मन को वीक किया, सोचने की बात है ये। और लोगों को ये पता नहीं है कि मन वीक है। संसार में बहुत बुद्धिमान लोग, कोई भी डॉक्टर इस बात को भी नहीं जानता कि मन तो वीक है ही, लेकिन ब्रेन भी बहुत वीक है। मेरे पास कितने यंग स्टूडेंट आते हैं, हायर एजुकेशन के, हायर स्टडी कर रहे हैं, कोई MTech कर रहा है, कोई MBA, कोई CA, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहते हैं
एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ रहे हैं परंतु कुछ भी याद नहीं रहता है, एग्जाम में जाते हैं सब कुछ भूल जाता है, कारण क्या है? ये बात आप सबको जाननी चाहिए कि मन की शक्ति और वाइब्रेशंस के अनुसार ही ब्रेन डिजाइन होता है गर्भ में. हु डिजाइन्स द ब्रेन? मन के वाइब्रेशंस, आत्मा के वाइब्रेशंस से डिजाइन होता है. अब मन ही बहुत वीक है तो वाइब्रेशंस कैसे होंगे? बहुत वीक. इसलिए ब्रेन वीक होने से पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा और कई बातों का प्रेशर, तो डिप्रेशन में आ रहे हैं युवक बहुत. मैं तो भारत की देखता हूँ, भारत में इस शब्द को अब से 10 साल पहले बहुत लोग जानते भी नहीं थे डिप्रेशन क्या होता है, और 5 साल से ये बड़ी समस्या बनती जा रही है. तो हमें अपने मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है. और मन की शक्तियाँ नष्ट हुई हैं मेनली 2 बातों से, जिसको भी लोग जानते नहीं हैं. आप सबको जानना है. आज बात बिल्कुल सीधी मैं करूँगा, पाप कर्मों से और मनोविकारों से. मन की शक्तियां नष्ट हो गई हैं. एक बात के लिए मैं आप सबको सावधान भी करना चाहूंगा, हमारे चारों ओर इस वातावरण में बैड एनर्जी बहुत है. जैसे चारों ओर बैड एनर्जी का सागर लहरा रहा है, अगर हमें क्रोध आता है तो हम इस बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं. अगर हमारी निगेटिव थिंकिंग हो रही है, डर है, तो ये बैड एनर्जी के लिए जैसे हमने गेट खोल दिया, आ जाओ, और इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं. इसलिए बचेंगे सभी, अपने को पीसफुल रखना, अपने को खुश रखना, अपने को संतुष्ट रखना अपने हाथ में है. हाथ में ले लो आप इसे अपने. जो मनुष्य अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे दे, तुम जब चाहे हमें खुश कर दो, जब चाहे रुला दो, वो व्यक्ति खुश रहेगा? ये बहुतों में देखा गया है. खुश रहना अपने हाथ में है या नहीं? पैसे से खुशी मिलती है क्या? पैसे से साधन लिए जा सकते हैं? खुशी नहीं. लोग क्या करते हैं, पैसे से तुम सुंदर रूम बना लो, उसमें सुंदर बेड डाल दो, बड़े सुंदर सुंदर गद्दे, लेकिन नींद खरीदी जा सकती है? करवटें बदलते रहे सारी रात, एसी चल रहा हो गर्मी में, मन गर्म हो रहा हो, बाहर ठंडा अंदर गरम, मजा नहीं आएगा. मुझे एक उदाहरण याद आ गया. भारत में सोमनाथ मंदिर है, आप जानते हैं, सागर के किनारे. हम भी, हमें बड़ा प्रिय लगता है, मैं जाता हूँ वहाँ कई बार. हमारा बहुत बड़ा म्यूजियम है सोमनाथ में. तो हम घूम रहे थे तो प्यास लगी, तो जो घुमाने वाला था, हमने कहा पानी चाहिए भाई. वहीं कुछ दुकानें थी लकड़ियों की, भारत में तो बना देते ना कहीं भी जंगल में भी 10 दुकानें लकड़ियों की. एक पर वो हमें ले गया, एक यंग व्यक्ति 30 साल का बेच रहा था, यही कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, दूध, दही था. एक ने उसको कहा मुझे लिमका दो भाई. अब देखो उसने लिमका कैसे दिया. लिमके की बोतल उससे 5 फुट पे ही थी. वो डांस करते हुए लिमके के पास पहुंचा, लिमके की बोतल उठाई, 3 बार ऊपर उछाल के पकड़ी, गीत गाया, ढक्कन खोला, फिर गीत गाया, डांस किया, डांस करते हुए दिया, लो बाबूजी. दूसरे व्यक्ति ने कहा हम मुझे पानी की बोतल. ऐसे ही उसने पानी दिया. वो जल्दी नहीं कर रहा था, 1-2 मिनट लगाता था हर एक ग्राहक को. तीसरे ने कुछ और मांगा, ऐसे ही उसने दिया. हम तो उसका डांस देख रहे थे सब खड़े खड़े. मैंने उससे पूछा बड़े खुश रहते हो,
अब देखो, एक छोटी सी दुकान चलाने वाला, लकड़ी की दुकान जंगल में, हमने उनसे पूछा, बहुत खुश रहते हो? कहा, साहब, अब वो सीरियस हुआ, मैंने सोच के रखा है कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है। हम छह थे, हम भी एक दूसरे को देखने लगे। हम छह थे जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान है, जिन्हें भगवान मिला है, हम एक दूसरे को देखने लगे, यही हमसे अच्छा है। अगर मनुष्य मन बना ले मुझे खुश रहना है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं संसार में जो हमारी खुशी को छीन सके। छोटा सा उदाहरण, एक दिवाली का त्यौहार, एक बिजनेसमैन ने लक्ष्य रखा हुआ था, मुझे इन 15 दिनों में 10 लाख रुपए कमा लेने हैं। पूरा हो गया। 2-3 दिन के बाद घर लौट रहा था, उदास था। पत्नी ने पूछा, क्या हो गया? लॉस हो गया बहुत। कहा, क्या हो गया? दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी। कि नहीं, 3 लाख का लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस हो गया, अरे कुछ तो बताओ। कहा, सोचा था 10 लाख मिलेंगे, 7 ही फायदा हुआ है। समझ गए ना? 7 की खुशी नहीं, लॉस हुआ था क्या? लॉस तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट हुआ है। ये मनुष्य की मेंटलिटी हो गई है। हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है, उसको एंजॉय करना नहीं जानते, और बहुत सारी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिलेगी। दौड़ते ही रहो, कभी नहीं मिलेंगी। खुशी, शांति, सुख, चैन सब खो देता है मनुष्य। इसलिए सुंदर बात याद रखेंगे, हमें अपनी प्राप्तियों को एंजॉय करना है, उसमें संतुष्ट रहना है। पसंद है? पसंद है? माताओं को पसंद है? बहुत कुछ है सबके पास, बहुत कुछ है हमारे पास। कोई भी गरीब नहीं है। कोई आपसे कहे, एक गरीब व्यक्ति के पास एक साहूकार पहुंचा, मेरी एक आंख खराब है, आप अपनी एक आंख दे दो, 5 करोड़ ले लो। उसने कहा, नहीं भाई, अपने 5 करोड़ अपने पास रखो। गरीब था वो बेचारा, वो चाहता तो साहूकार हो जाता, एक आंख देकर नहीं दिया। कोई हमसे मांगे, बाया हाथ तो ज़्यादा काम नहीं करता, ये मुझे दे दो, प्लास्टिक का लगवा देंगे, ले लो 2 करोड़, देंगे? कितनी संपदा है इधर, सुंदर विवेक, बड़ी डिवाइन विजडम हम सबको प्राप्त है, सबके पास है। और याद रखेंगे, विजडम पुस्तक पढ़ने से नहीं आती, विजडम अंदर से उपजती है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए अपने सुप्रीम फादर को रोज उठते ही शुक्रिया करना। अभाव कुछ नहीं है, ये बहुत सुंदर एक फिलोसोफी है। आंख खुली, मैं एंड में आपको इस पर ले चलूँगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है रोज सवेरे। आँख खुली, अपने फादर को, सुप्रीम फादर को गुड मॉर्निंग करना, और सच्चे दिल से कहना, तुमने हमें सब कुछ दिया, बारंबार शुक्रिया। सब कुछ बढ़ने लगेगा। हे भगवान, ये तो दिया, ये नहीं दिया। वो कहेगा, ये कभी खुश नहीं रहते। आप भी अपने बच्चों को कहते होंगे ना, कई बच्चे ऐसे मूड ऑफ करने वाले होते हैं, खुश ही नहीं रहते। कितना अच्छा भोजन माँ बना के दे दे, ये अच्छा नहीं है, इसमें लाल मिर्ची नहीं है, इसमें तेल नहीं है। दूसरी चीज, मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, 5 कम से कम, और मुझे पूर्ण विश्वास है आज से आप उसे फॉलो करें। हर कार्य को एंजॉय करना है। आप बाइक चलाते हैं, यहाँ तो कम दिखाई देती हैं, कार चलाते हैं, एंजॉय करो। सिग्नल आ गया, रेड लाइट आ गई, परेशान ना हो जाओ, जल्दी जाना था, अब यहाँ 3 मिनट खड़े होना पड़ेगा। एंजॉय करो,
देखो कितना सुंदर खेल है संसार का, विचार करो, ओ मनुष्य कितना सुंदर है, उसका पार्ट कितना सुंदर है, ये भगवान की रचना, चारों ओर ग्रीनरी है, कितनी सुंदर है ये प्रकृति, ठंडी हवा, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया, थैंक्स दो इसको। मैं लोगों को कहा करता हूँ, प्रकृति जो हमें दे रही है उसका तो मनुष्य को ज्ञान ही नहीं। अगर प्रकृति कह दे मैं तुम्हें हजारों साल से हवा देती आती हूँ, एक मिनट जरा रेस्ट करना चाहती हूँ, क्या हो जाएगा? हवा लेने वाला ही नहीं बचेगा कोई। हम जरा धन्यवाद तो करें इस प्रकृति का, हर कर्म को एंजॉय करना है, टाइम कॉन्शियसनेस को जरा छोड़ दो। कई लोगों के पास टाइम पर सब कुछ करना है, इसकी ज़्यादा अवेयरनेस होती, अच्छी बात है, सब कुछ टाइम पे करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती ना, सिग्नल आ गया, पहिए में पंचर हो गया, कुछ और हो गया रास्ते में, वो हमारे हाथ में नहीं है। टाइम पर काम करना, पंचुअल होना, रेगुलर होना, ये अच्छी क्वालिटी है मनुष्य की, लेकिन फ्लेक्सिबल होना भी आवश्यक है। खाना एक घंटे में बनाना है, माता जी बार बार घड़ी देख रही है, ओ 10 मिनट ही रह गए, अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खाना बनाने का जो आनंद है वो आ ही नहीं रहा है। माताओं को मैं खास कहता हूँ, भोजन को आप औषधि बना सकते हैं, भोजन के द्वारा आप अपने परिवार में आनंद की लहर फैला सकते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा खुशी की गंगा बहा सकते हैं। टाइम कॉन्शियसनेस से परे हो जाओ, आप पाएंगे कि काम कम समय में पूरा हो गया। मैंने अपने अर्ली डेज में इस जीवन के एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत ज़्यादा इस पर, कि अगर हमारा मन शांत है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, कार्य शक्ति डबल हो जाती है। एक जगह हम अपने माउंट आबू में रोज घूमने जाते थे, बहुत तेज चलते थे, 18 मिनट लगता था, 3 किलोमीटर था, टांगे भी दुख जाती थी उतार चढ़ाव। मैंने एक दिन सोचा आज मैं तेज नहीं चलूंगा, एंजॉय करूंगा वॉकिंग को, और मैं योग युक्त होकर बहुत आनंद पूर्वक चलता गया। ये भूल गया कि मुझे जल्दी जाना है, और जब मैंने वहाँ जाकर घड़ी देखी तो मैं 16 मिनट में ही पहुँच गया था, 2 मिनट बच गए थे। कार्यों में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, पहले मेरा काम वहाँ किचन में भोजन बनाना था, यहाँ से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हुई थी, फिर आगे बढ़ी। 1000 लोगों का भोजन बनाना है, 2 घंटे में एक सब्जी बनती है। एक दिन सब्जी कट के मिलने में देर हो रही थी, 1/2 घंटा लेट मिली, हमारे साथी परेशान हो रहे थे, 12 बजे हमें भोजन देना होता था, परेशान हो रहे थे कि देर हो जाएगी आज तो। मैंने उन्हें कहा नहीं, बी पीसफुल, बी साइलेंट, एंजॉय करो। सब्जी कट के आई, आनंद पूर्वक चढ़ाई गई, और हमने देखा वो 1.5 घंटे में ही तैयार हो गई, और उस दिन उसका टेस्ट रोज के टेस्ट से ज्यादा था। भोजन में टेस्ट प्यार और शांति का सबसे ज्यादा होता है, लाल मिर्ची और अदरक का कम। मुझे तो किचन की जिम्मेदारी रही, अभी हमारे यहाँ बहुत बड़े किचन हैं, आधुनिक किचन हैं, टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, 25-30 हज़ार लोगों का भोजन बनता है हमारे यहाँ रोज, 3 टाइम। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया, 10 हज़ार से शुरू हुआ था, अब से 10 साल पहले से, 10 हज़ार का भोजन 9 से 11, 2 घंटे में लंच तैयार होता था। फिर 15 हज़ार आने लगे, 15 हज़ार का भोजन भी 9 से 11 में ही पूरा होने लगा। हमने अपनी टीम को एनर्जेटिक किया और बहुत अच्छे वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट कराए। फिर 20 हज़ार आए, हमने सोचा था 2.5 घंटे तो लगेंगे, वो भी 9 से 11 में ही पूरा हो गया, शाम को 4 से 6 में डिनर। 30 हज़ार आ गए, हमने सोचा अब तो जरूर 2.5-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन अब आश्चर्य करेंगे, वो भी 2-2 घंटे में ही पूरा हो गया। अगर आप अपने घर में सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट कर दें,
अगर सबके मन शांति और खुशी से भरे हुए हों तो आपकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तीसरी बात पर मैं आपको ले चलता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हर एक के जीवन में जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, सबके पास है, उन्हें क्या करें? एक्सेप्ट कर लें, अभी कर लो। मान लो पास्ट में कुछ हो गया था, कुछ बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। कई बहनें भाई आते हैं, एक्सीडेंट हो गया था, हमारे ये डियर वंस क्लोज रिलेटिव्स मर गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन उसका दुख, उसका प्रेशर, उसकी अशांति और वो सीन भूलता नहीं है। क्या पास्ट को कोई चेंज कर सकता है? बहुत होता रहता है। एक व्यक्ति की कहानी कल यहीं कोई सुना रहा था, बहुत अच्छे जा रहे थे, कुछ यहाँ दर्द हुआ, हॉस्पिटल में ले जाने लगे, जाने से पहले मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हुआ। कोई कुछ कर सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल, कोई शक्ति उन्हें चेंज नहीं कर सकती, उन्हें स्वीकार कर लो और वर्तमान को एंजॉय करो। कई लोग पास्ट में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, पास्ट तो पास्ट हो गया, वो रिपीट नहीं होगा, भुला दो उसे, वो हो गया। वर्तमान में भी तो बहुत कुछ है। मेरे पास माताएं कई आती हैं, उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया है, तो बुरी चीज, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन छोड़ दिया ना, आयु भी काफ़ी हो गई थी, 60 ईयर्स हो गई, 65 ईयर्स हो गई। अब माँ इतने डिप्रेशन में है कि उसके 4 बच्चे उसको देख देख के बेचारे परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहते, उसे बात करते हैं कि मम्मी हम तो हैं ना, अब खुश रहो, लेकिन वो नहीं रहती। बच्चों पर उसका इफेक्ट आ रहा है, घर में उदासी का माहौल रहता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चेंज करें, फ्यूचर की ओर देखें, पास्ट की ओर नहीं। जो मनुष्य यात्रा करते हुए बार बार मुड़ के पीछे देखता हो, क्या उसकी गति मंजिल की ओर चलेगी? रुक जाएगा ना। बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसलिए जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार कर लें, अभी कर लो। अपने मन को अब खुशियों से भरें तो फ्यूचर अच्छा हो, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, काम धंधों पर अच्छा प्रभाव पड़े, सिचुएशंस बदलें। क्योंकि सबको याद रखना है, ये एक स्पिरिचुअल डीप सीक्रेट है, मन की स्थिति यदि खराब होगी तो जीवन की परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी। और मन की स्थिति को ठीक कर लो, चिंतन को ठीक कर दो, अपने थॉट्स को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है बहुत चीजों का, इसकी ओर आप चलें। आप सभी अपने को बहुत रेस्पॉन्सिबल भी समझेंगे। मैं समझता हूँ सभी बहुत बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं। हमें अपने चारों ओर सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं ताकि दूसरे लोग भी सुखी हो जाएं। हमारे बच्चे, हमारे घर के एनवायरनमेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, पड़ोसी सब सुखी हो जाएं। मैं 3 संकल्प आपको देता हूँ। अपने अपने घरों में 4 संकल्प हैं, प्रेम, खुशी, शांति और हल्कापन, लाइटनेस, इसका माहौल बनाना है सबको। इसके लिए माताओं को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा संभालनी है। सभा में मातृशक्ति ज़्यादा बैठी है, समझते हैं, माताओं की जिम्मेदारी है ये,
माता प्रथम गुरु बच्चों का, मात्र शक्ति चाहे तो संसार को स्वर्ग बना दे। भाई क्या समझते हैं, ठीक कहता हूं या नहीं? और भाई लोग क्या करेंगे? दोनों साथ रहेंगे, ठीक कहा आपने। दोनों के साथ के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े। आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे भी जीवन को एंजॉय करें बहुत अच्छी तरह, उनका जीवन सुख शांति खुशी प्रेम से भरपूर हो, आप ऐसे संस्कार उनमें डाल दें। लेकिन माँ बाप ही यदि लड़ते होंगे तो क्या होगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दो बहुत अच्छे एजुकेटेड वाइफ हस्बैंड मेरे पास आए, दोनों लेक्चरर। मैं कहीं जा रहा था, मैंने कहा बाद में आ जाना, कहा नहीं जरूरी है। मैंने कहा बोलो जल्दी में। उन्होंने क्या कहा, हम दोनों बहुत लड़ते हैं। दोनों एमए पीएचडी, मैंने पूछा दोनों में बुद्धिमान कौन है। मैं जल्दी इतने था और मैं थोड़ा उत्तर देना चाहता था। अभी दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कौन कहे। फिर मैंने कहा चलो बुद्धिमान तो आप दोनों ही हो, पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ आप दोनों में समझदार कौन है। बुद्धिमान होना अलग बात, समझदार होना अलग बात। लेकिन उस बहन ने फट से कहा मैं हूं। तो बस मैंने कहा तुम समझदार हो तो तुम्हें जरा झुक कर चलना है, ठीक है। बस फिर तो मैं चला गया, मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ। वो झुकी या नहीं झुकी, या दूसरे को झुकाना चाहती थी। जो बहुत एजुकेटेड हैं, दोनों पीएचडी किए हुए, दोनों में ईगो, मैं बड़ा मैं बुद्धिमान, दोनों की सैलरी भी बराबर, कौन झुके। लेकिन एक को तो झुकना पड़ेगा ही, जो झुके वही समझदार है, सच्चे अर्थों में वही बुद्धिमान है। ये ईगो पॉइजन पैदा कर रहा है हमारे रिलेशनशिप्स में, इस ईगो को मारना है। ई गो आई गो, ये जो आईनेस है ना, मैं हमारे बाबा कहा करते थे ये मैं कौन करता है, बकरी। इसलिए इस मैं को मारेंगे तो जीवन खुशियों से प्रेम से शांति से लाइटनेस से भर जाएगा। अब इन चारों चीजों के लिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं और आपके बहुत काम आएंगी। पहले एक चीज ध्यान से सुन ले, मैंने अपने जीवन में बहुत सीखी थी ये, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। देख लें अपने को, सब यही है या नहीं। इसलिए अपने परिवारों में कुछ भी बात हो जाए, होती रहेंगी रोज, जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप सभी सीख लें। एक उदाहरण देता हूँ। एक यंग बहन बहू ने मुझे कहा, दोनों आई थी सास बहू, कहा ये मेरी सास जो है ना है तो बहुत अच्छी, पर अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो दो चार दिन उसका वर्णन करती है, कोई भी घर में मिलने आए उसको बताएगी इसने ये किया, और मैं ये सुन सुन के थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे माता जी अब ख़त्म करो ना, मैंने अच्छे काम भी तो किए हैं चार दिन में, वो याद नहीं करती। जो मन उस बातों को पकड़ कर रखता है, सोच लो अब,
घर का वातावरण शांति में नहीं रह सकता। और आप सभी और जो यंग यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह जान लें, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर एक के सामने से रोज गुजरती हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, हर एक के सामने से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रोज आती हैं, लेकिन जो मनुष्य बातों को पकड़ कर रखता है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आगे चली जाती हैं। इसलिए अगर आपको इन स्वर्णिम अवसरों का लाभ उठाना है तो बातों को छोड़ते चलो, रिलीज करो, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एक बहुत सुंदर सिद्धांत आपको याद रखना है मनोविज्ञान का, जो संकल्प हम बार बार करते हैं, हर संकल्प से एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, क्रिएट हो रही है। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं उसी तरह की एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में जा रही है, फिर बाहर फैल रही है। इसलिए अपने घरों में जितना सुंदर विचार आप करेंगे, घरों का माहौल खुशी प्रेम से भरा रहेगा। आपको अपने घर में प्रेम की गंगा बहानी है। बहाएंगे माताएं, बुरा ना मानना माताओं, माताओं में तो प्यार बहुत होता है ना, लेकिन आजकल जरा प्यार सूखता जाता है। क्या करेंगे, एक सुंदर सी कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची कहानी है। मुझे कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आपको भी लगेगी। किसी लड़की की शादी हुई, इन लॉज में पहुँची, देखा कि सास जो है बहुत तेज है, हाई फाई बोलती है बहुत। 8-10 दिन उसके साथ रही, कहा इस लेडी के साथ रहना बहुत मुश्किल, मैं तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये घर अब मेरा है। अपने अंकिल के पास पहुंची, उसका अंकिल तांत्रिक, कहा अंकिल मेरी सास बड़ी खतरनाक है, एक पॉइजन दो मुझे, मैं उसे मार देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अरे पगली, पॉइजन खिलाओगी तुम मारी जाओगी, जेल में जाओगी। पॉइजन नहीं, मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ, 6 मास में काम करेगा, लेकिन एक परहेज है उसके साथ, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, थोड़ा थोड़ा तो रोज डालना है भोजन में, लेकिन तुम्हें उसको अप्रिशिएट करना है बहुत। का ये कौन सी बात है, वो तो मैं रोज करूँगी। पहुँची घर, जाते ही जो भी मिलने आए, मेरी सास तो मेरी माँ जैसी है, अरे इसने तो मुझे इतना प्यार दिया, मैं अपने घर को भूल गई हूँ, ऐसी सास तो सबको मिले, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ। अब 2-3 दिन में सास ने देखा ये बहू तो बदल आई, उसने भी शुरू कर दिया, अरे मेरी बहू तो देवी है, जब से घर में आई है मुझे कुछ काम नहीं करने देती, हमारा घर तो अब स्वर्ग बन गया, ऐसी बहू सबको मिले। अब 3 मास बीत गए, अब बहू ने, लड़की ने देखा सास तो सुधर गई, बहुत अच्छी हो गई, अब इसको मारूंगी तो बड़ा मुश्किल होगा, जीवन भर में पछताऊंगी। फिर अंकिल के पास पहुंची कि अंकिल मैं सास को मारना नहीं चाहती, अब जो पॉइजन दिया उसको ख़त्म करने की दवाई दो। अंकिल हंसने लगे और कहा पगली वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकाल दिया मैंने। तो अगर अपने अपने घर में प्यार की गंगा बहानी है तो आज से एक दूसरे को अप्रिशिएट करना प्रारंभ करो। करेंगे या नहीं, बच्चा भी पढ़ने में कमजोर हो बार बार न कहो तो पढ़ता नहीं, डल है, डीड है, ये है वो, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, जरा सी मेहनत करो, अरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। एनकरेज करो, एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, इस सूक्ष्म बात को समझने। और बच्चों पर आपने प्रेशर डाला तो बुद्धि डल होती जाएगी, इसलिए उन्हें खुला माहौल दो, खुशी का माहौल, बहुत अच्छा हो जाएगा। पसंद है ना ये बातें, याद रहेंगे,
ज़्यादा नहीं बताना चाहता, नहीं तो भूल जाएंगी आपको। अब हम 3 मिनट एक बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं। हम अपने से मिलेंगे 3 मिनट। आत्मा हूँ मैं, आपने देख लिया था प्ले में, आत्मा यहाँ रहती अंदर, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, पीसफुल प्योर। जैसा ये शरीर मुझे है, ऐसे कई शरीर मैंने लिए और छोड़े हैं, पता है ना? इसमें भी साइकिल दिखाया हुआ था, बच्चा गर्भ में, बाहर, फिर बूढ़ा, फिर मृत्यु, फिर बच्चा। तो ऐसे शरीर तो हमने बहुत लिए हैं और छोड़े हैं। मैं आत्मा हूँ, पीसफुल। तो हम आत्मा के कुछ गुणों का आपको संकल्प देंगे, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, मैं प्रेम युक्त हूँ, मेरे पास बहुत प्रेम है, स्वीकार करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वीकार करेंगे। चले अब रेड राइट करें और ट्यून बजाएंगे फॉर 3 मिनट। सीधे बैठ जाएं सभी और कंसंट्रेट करेंगे यहाँ आत्मा पर। अपने को विजुअलाइज करें, देखें अपने स्वरूप को। मैं आत्मा, ज्योति, अजर, अमर, अविनाशी, मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं इस देह से न्यारी, इस देह की मालिक, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, पीसफुल हूँ, शांत, शांति मेरी नेचर है, मैं शांत हूँ, मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं शांत हूँ, स्वीकार करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें इसे, मैं शांत। मेरे पास शांति की शक्ति है, ये शांति मेरी अपनी संपत्ति है, मुझसे कोई भी शांति को छीन नहीं सकता। मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र, मुझसे प्योरिटी की वाइट रेज फैल रही है, मेरे ब्रेन को जा रही है। मैं सर्वशक्तिमान की संतान,
बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी माइट हाउस हूँ। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्ति स्वरूप। ओम शांति। मनुष्य के जीवन में आई हुई समस्याएं उसकी खुशी और शांति को छीन लेती हैं। मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगा, टॉपिक वो बहुत बड़ा है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। शेर का बच्चा क्या होता है, या कुत्ता? टाइगर का बच्चा, वही पावर होगी ना उसमें। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हम भी तो कुछ होंगे या नहीं, पहचाने आप इसे। हम उसके बच्चे हैं जो शांति का सागर है। हमारे पास भी बहुत शांति है, हम उसे भूल गए हैं। जैसे किसी ने बहुत सारा पैसा लॉकर में रख दिया हो और 20 साल के बाद वो भूल गया हो, और कुछ भी ना हो, मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, पैसा नहीं है। ये हाल हो गया है मनुष्य का। हम सुखों के दाता के बच्चे हैं, सुखों से भरपूर हैं। इसलिए अपने को पहचानेंगे। मैं आपको ये बहुत सुंदर अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप इस चीज को याद किया करें। मैं ऑलमाइटी की संतान हूँ। मैं हूँ मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे आपकी शक्तियाँ जगेंगी और शक्तियाँ आपसे वाइब्रेट होंगी और आपकी समस्याएं नष्ट होंगी। मैंने आपको कहा था, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। जैसे ही हम अपनी शक्तियों को याद करेंगे तो अनेक समस्याएं स्वतः ही जलकर नष्ट हो जाएंगी। जैसे कहीं मच्छर हो बहुत, आग जला दी जाए तो कुछ जल जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे। हमारी शक्तियां अनेक समस्याओं से हमें मुक्त करेंगी। अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो भी टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लिए जो यूजफुल है और जो आज रात से और कल सवेरे से आप शुरू करेंगे। शक्तियाँ हमारे मन में रहती हैं, केवल शरीर में नहीं। आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति शरीर से बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मन से कमज़ोर हो, वो कमजोर है। कुत्ता भी भौंकेगा, डर जाएगा। और जो मनुष्य शरीर से दुर्बल हो लेकिन मेंटली बहुत पावरफुल हो, वो बहुत पावरफुल रहेगा। शक्तियों का वास हमारे मन में है। और मनोविज्ञान के अनुसार 10% शक्ति कॉन्शियस माइंड में, 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड को भारी ना समझे आप इसे, जो हम सोच रहे हैं सारा दिन, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब ये कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव, जागृत। तो हमारे पास दो ऐसे समय हैं जब हमारा मन आप ही शांत हो जाता है, एक रात को सोते वक्त, दूसरा सवेरे उठते ही। और सबकॉन्शियस माइंड
अभी 90% शक्ति उसमें है तो बहुत पावरफुल है, उसमें सब कुछ करने की पावर है। तो सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, उन्हें कमांड के रूप में ले लेता है। एक है जब मन शांत है तब हम उसे संकल्प दे दें कुछ, दूसरा है उसे विजन दिखा दें, चित्र दिखा दें कुछ। समझते हैं ना विजन? देखो मैंने कईयों को प्रैक्टिस कराई, घुटने दर्द बहुत है, सदा ही संकल्प है घुटने दर्द बहुत है, बढ़ जाएगा। मैंने उनको विजन बताया कि सोते समय और उठने के समय विजन बना लेना कि मैं बाहर सड़क पे आराम से दौड़ रहा हूं 3 मास में या 15 दिन में, इसको विजन कहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे कमांड के रूप में स्वीकार करेगा और उसमें पावर है उन चीज़ों को ठीक करने की, और ठीक हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं, संकल्प देना, विजन दिखाना, टाइम के साथ। अब आप सुन लें अपनी यूजफुल बातें। वैसे तो मुझे बहुत कुछ आपको कहना है लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। सोते वक्त जब नींद आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है, तब आप ये जान लें कि उस टाइम सारी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है, रोगों को ठीक करने की शक्ति। आप संकल्प देंगे, मान लो आपका हार्ट कमजोर है, आप सोते वक्त संकल्प कर दो मेरा हार्ट परफेक्ट है, हेल्दी है, स्ट्रोंग है। सारी रात सबकॉन्शियस माइंड आपके हार्ट को ठीक करेगा। आपको घुटने दर्द हैं, मेरे घुटने दर्द समाप्त हो गए हैं, मेरे घुटने बहुत स्ट्रोंग हो गए हैं। आपको हाई बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल है, संकल्प करेंगे। समझ गए ना, पॉजिटिव संकल्प। इससे आपको बीमारियों में फायदा होगा। इवन आपको अच्छी नींद नहीं आती ना, स्वप्न बहुत आते हैं नींद में। मैंने स्वप्नों वालों को बहुत कराया, सोते वक्त संकल्प कर दो 5 बार, आज मुझे साउंड स्लीप आएगी, आज मुझे स्वप्न के बिना नींद होगी, आज मैं अपनी नींद को एंजॉय करूँगा। 5 बार ऐसे संकल्प कर दो, नींद सुंदर हो जाएगी। बहुत बड़ा इफेक्ट है। इससे भी ज़्यादा आपको यूज करना है रोज सवेरे उठते ही 10 मिनट। 10 मिनट में भी पहला 1 मिनट मोस्ट पावरफुल टाइम, डायमंड लाइक टाइम। उठते ही आप आज से ध्यान देंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, उठते ही जो फर्स्ट थॉट आपने कर लिया, पहला विचार, वो आपके जीवन पर गहरे से गहरा प्रभाव डालेगा। एक निगेटिव उदाहरण दे देता हूँ, वो आपको कभी नहीं करना है, निगेटिव देने भी जरूरी होते हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए। ऐसे ही एक घर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत तंग था। अब ये व्यक्ति जैसे ही आँख खोलता है सोचता है इस व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग कर दिया, पता नहीं कब मरेगा। वो तो सोचता है कि मैं ठीक सोचता हूँ, पर इससे उसका दुख बढ़ता जाएगा, उसकी आयु बढ़ती जाएगी। उठते ही संकल्प कर दो, ये व्यक्ति मेरा गुड फ्रेंड है, मैं बहुत सुखी हूँ। 5 बार करो। जहाँ भी आपके घरों में संघर्ष हो, किसी को कोई आपको परेशान करता हो, आप उसके मरने की कामना कर रही हो, उसे छोड़ देना, यह व्यक्ति मेरा गुड फ्रेंड है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए और 7 दिन में ही सफलता हुई, रिलेशनशिप स्वीट हो गए।
क्योंकि हमारे अपने वाइब्रेशंस दूसरों को निगेटिव या पॉजिटिव करते हैं। तो सवेरे उठते ही पहले संकल्पों पर ध्यान देंगे, और पहला संकल्प क्या होगा इसे आप अपने कंट्रोल में ले लें। पहला संकल्प वो होगा जो आपका लास्ट संकल्प होगा रात को। जो आप पहला संकल्प करना चाहते हैं उसे सोचते सोचते सो जाएं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। उठते ही संकल्प करना, भाग्य का सितारा चमकने लगेगा, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, सुख बढ़ता जाएगा, मैं बहुत धनवान हूं। है या नहीं? बहुत धनवान हूं। दूसरों को न देखो, उसके पास करोड़ है, मेरे पास कम है, मैं बहुत धनवान हूं। और अपने परम पिता को, शिव बाबा को दिल से कहना, तुमने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से निकालना, भंडारे भरपूर होते जाएंगे। तो जो संकल्प आप चाहते हैं वही करें। मैंने बहुत युवकों को ये प्रैक्टिस कराई, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पूछा, डर लगता है बहुत, लेकिन नौकरी चाहिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। 7 बार उठते ही संकल्प करना, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे ये जो मिलेगी ही, और एंजॉय करो जैसे मिल गई है, और मिल गई। कुछ केसेज में मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कराए, उठते ही संकल्प करो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ 7 बार, और संकल्प करो मुझसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर तरीका है। और जितनों को भी कराई, 5 बहुत सुंदर केस थे, सबसे वही पूछा जो उन्हें आते थे। सचमुच तो कईयों में ऐसे हुआ, कुछ पूछा ही नहीं, 2-4 हल्की सलकी बातें पूछ के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, आ जाओ कल से बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, इसलिए यहीं बैठकर चुन लो मुझे सवेरे रोज उठते ही क्या सोचना है। इसलिए हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में प्रथा थी, उठते ही कोई भगवान को याद करेगा। भारत में तो हम देखते थे घरों में मंदिर बनाते थे लोग, उठते ही मंदिर में। ये क्यों था? ताकि उठते ही सुंदर विचार हो मन में, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। उठते ही नहीं सोचना मैं बहुत परेशान हूं, उठते ही सोचना मैं बहुत खुश हूं, मेरे जैसा सुंदर जीवन किसी के पास नहीं है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, करती हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये नहीं, ये कैसा बच्चा भगवान तुमने दे दिया, इसको ले ले वापिस, ये नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पति बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह सभी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जिसके लिए मैंने 5 मिनट मांगे थे उसको 3 मिनट में पूरा कर देता हूँ। पानी को चार्ज करके पीना है, पानी दूध। कैसे चार्ज करेंगे? बहुत बड़ी दवाई हो जाएगी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने पानी पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, जापान के वैज्ञानिकों ने, कि मनुष्य के वाइब्रेशंस का पानी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी लेंगे गिलास में, उस पर नज़र डालेंगे, 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके नैनों से पावरफुल एनर्जी पानी में समा जाएगी, उसको पीना, अनेक रोग ठीक होंगे। बहुत एक्सपेरिमेंट कराए मैंने, इसलिए मैंने कहा था लोग मुझे भी डॉक्टर समझने लगे, मैं हूँ नहीं। पर मैंने सोचा कि मनुष्य के शरीर में 72% वाटर है, और वो तो गंदा हो गया है मनुष्य के विचारों से, उसको अगर प्योरीफाई कर दिया जाए तो रोग ठीक होंगे। बस इतना सा सोचने से मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए। दूसरी चीज, ब्रेन, यही है ना हमारा कंप्यूटर इंजन,
यही बीज हैं हर चीज के, बीमारी के, खुशियों के, शांति के, परेशानियों के। इसको ठीक करना है, विचारों से तो करेंगे ही, लेकिन आप इसको एनर्जी देंगे। जिसको कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, वो ब्रेन को 10 मिनट रोज एनर्जी देंगे चुन के। अभी आप करें, दोनों हाथ मिलिए और अंदर में संकल्प कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब हाथ लूज छोड़ दीजिए, थोड़ी सी दूरी पर, देखो आपके हाथों में वाइब्रेशंस, थोड़ी दूरी पे, 3-4 इंच करो, हैं, वाइब्रेशंस आ गए, ये एनर्जी आ गई आपके हाथों में। जो संकल्प किया ना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ये माइट हाथों से वाइब्रेट आउट होने लगी। अब इसको यहाँ रख दो, आंखें बंद कर लो, 1 मिनट रख देना। ये एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी और ब्रेन की बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा 10 बार कर देना, शांति में बैठ के, लेट के कर लो। घुटनों को भी एनर्जी दे सकते हैं, किडनी को दे सकते हैं। कईयों की किडनी फेल हुई, 2 यंग लोगों की किडनी हमारे यहाँ फेल हुई, 40-40 दिन में ठीक होगी। एनर्जी दी किडनी को, लीवर को दे सकते हैं, कैंसर जहाँ हो वहाँ दे सकते हैं। बहुत सुंदर थेरेपी है, ठीक है। अब हम समाप्ति की ओर, 3 मिनट पुनः मेडिटेशन करेंगे और अब फील करेंगे हमारे ऊपर ब्रह्मलोक में ऑलमाइटी फादर हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पीछे चित्र है, लाइट फैलती है उनसे, एनर्जी फैलती है। अब हम फील करेंगे कि उनकी एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, चलें रेड लाइट करें, सभी एकाग्र करेंगे पहले आत्मा पर, भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती हुई प्रकाश में, ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं पीसफुल, मैं बहुत पावरफुल, अपनी बुद्धि से ऊपर की ओर देखें, हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके और ऊपर की ओर देखते चलें, बहुत ऊपर ब्रह्मलोक, परमपिता का निवास, हमारे खुदा दोस्त यहीं रहते हैं, निराकार महाज्योति। विजुअलाइज करें उन्हें, देखें बुद्धि के नैन से, उनसे चारों ओर अनंत किरणें फैल रही हैं। अब उनसे निकली हुई ये एनर्जी, शांति के वाइब्रेशंस नीचे आ रहे हैं, शांति का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है।
परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। संकल्प कर दें, मैं भगवान की संतान हूँ, वे प्यार के सागर हैं, मुझे भी सबको प्यार बांटना है। मेरे परमपिता शांति के सागर हैं, मुझे शांति से जीवन जीना है। वे सुखों के दाता हैं, मुझे भी सबको सुख देना है। ओम शांति। आप सभी के लिए यहाँ 7 डेज कोर्स भी रखा गया है, बताएंगे आपको। आप सब आए, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आज हमने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। इतने कम समय में सूर्य भाई ने हमको कॉन्सेंट्रेटेड बातें बताई, नहीं? जैसे स्क्रीन होती है, स्क्रीन एक ही सेकंड डालो कितनी फुली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो इसी तरह से ज्ञान की बातें, योग की बातें, प्रयोग की बातें, तो ऐसी ऐसी बातें आज हमने सीखी है। तो अभी क्या करेंगे हम? नहीं, इसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है, है ना? तो जैसे सूर्य भाई ने बताया कि जो भी आज सूर्य भाई ने किया वो कैसे किया, राज योग के अभ्यास से। तो आप सभी को भी ऐसे पावरफुल अपने मन को बनाना है, अपने लाइफ को बनाना है, एकदम पॉजिटिव, एकदम प्योर, एकदम एलिवेटेड, श्रेष्ठ जीवन। तो उसके लिए खास, क्योंकि आज का ये इतना वंडरफुल प्रोग्राम और हम चाहते हैं कि आप सभी उसे बहुत बहुत फायदा ले, परमानेंट, है ना? तो उसका सलूशन जैसे आज भी हमने सुना, लेकिन और ही इसको डिटेल में सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि आज जो हमने सीखा वो शॉर्ट फॉर्म में सीखा, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड। परंतु इस ये राज योग का कोर्स है 8 सेशंस, तो ये कमिंग वेनसडे, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस कमिंग वेनसडे इवनिंग में 7 to 8:30, 1.5 आवर, बस सिर्फ 1.5 आवर। और ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, हम सभी अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं? दुनिया की बातों में इन्वेस्टमेंट करते धोखा भी मिल जाता है, लेकिन ये है आत्मा के लिए इन्वेस्टमेंट, फॉर एवर प्राप्ति करने के लिए ये समय का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 8 सेशंस। तो इट विल कंटिन्यू वेनसडे एंड मंडे, समझा? तो ये वेनसडे को शुरू होगा फर्स्ट सेशन 7 to 8:30। तो हम चाहते हैं कि आप में से जो भी अपने दिल से अपने ये समय देना चाहते हैं या आपके जीवन में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? तो वेनसडे से शुरू होगा 8 सेशंस, ओके? और बाकी और भी सब भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स चलते हैं यहाँ पर, जैसे एवरी फ्राइडे टॉक्स चलता है, वन ऑफ टॉक्स, उसमें भी ये इंग्लिश में चलता है, तो ये भी एक लिफलेट आप ले जा सकते हैं। और बाकी 4 महीने का जो भी यहाँ पर प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम है, तो उसका भी व्हाट्सएप गाइड बनाई है, वो भी आप ले जा सकते हैं।
और एवरी सैटरडे को भी टॉपिक रहता है अलग अलग सब्जेक्ट पर. तो जैसे यस्टरडे था रामायण के ऊपर, तो अभी उसका पार्ट वन था, अभी पार्ट टू है नेक्स्ट सैटरडे. या तो आप आ सकते हैं. और उसके बाद का सैटरडे है गणेश चतुर्थी कहते हैं ना. लेकिन ये सब इसका बेस है स्पिरिचुअलिटी. हम मटेरियल फॉर्म में तो ये सब करते हैं, नहीं जन्म जन्मांतर करते आए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है ये सब करने का, और हमारे जीवन से क्या ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए मैसेज है, तो ये इसमें बताया जाएगा. तो जैसे आज सूर्य भाई ने पक्का कराया अप्रिशिएशन करना, तो वंस मोर हम सूर्य भाई को रियली अप्रिशिएट करते हैं. और साथ साथ और क्या करेंगे, खुद को अप्रिशिएट करना है ना. थैंक यू सो मच. अभी यहाँ सूर्य भाई आएंगे और हाँ सूर्य भाई.